अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अनूश मसूद हूँ, पुलिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ लाहौर में, और प्लीज़ डू वॉच मी ऑन रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा। रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में आज यहाँ बैठी होंगी मेरे पास डॉक्टर अनूश मसूद। ये एक मेडिकल डॉक्टर हैं और इन्होंने चूज़ किया पुलिस को और अब SP हैं। मुझे वाकई पता करना है इनका ये सफ़र कैसा रहा, यहाँ कैसे पहुँच गई और क्या कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अनूश मसूद से। डॉक्टर अनूश, ये कहूँ मैं या अनूश कहूँ? जो आपको अच्छा लगे वो। अच्छा, यूजुअली अनूशे होता है, तो ये अनूश पे कैसे रुका, इसके क्या मतलब है? मेरे पेरेंट्स को पता होगा कि उन्होंने वहीं रुक गए अनूश, है ना, अनूश पे। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्लेस्ड, एक लैंग्वेज में इसका मतलब स्प्लेंडेड है। सो डिफरेंट दो तीन लैंग्वेजेस में ब्लेस्ड भी है, स्प्लेंडेड भी है, यू आर ब्यूटीफुल आल्सो। थैंक यू सो मच। एंड आप सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं जी, आपको डर नहीं लगता? मुझे डर लगना चाहिए मुझसे डरना चाहिए लोगों को, है ना? नहीं, आपको नहीं लगता? आई मीन इट्स अ बैड वर्ड, ऐसे जैसे कहते हैं ना, इट्स अ बैड वर्ड इन एनीवे। अच्छा, चाहे मैं पुलिस में हूँ या नहीं हूँ, इट्स अ बैड वर्ड एनीवे। सो आप डॉक्टर हैं और आपने पुलिस कैसे चूज कर ली? पहले शुरू से बचपन से जिस तरह पेरेंट्स का यही था कि डॉक्टर बनना है ना, तो मुझे तो इतनी अच्छी थी तो कोई पूछता था जी आपने क्या करना है बड़े होके, डॉक्टर बनना है। आई न्यू इट, लाइक वो पता था कि बस डॉक्टर ही बनना है। सो शुरू से इसी तरह इसी लेन में चलते रहे, आगे डॉक्टर बन गई, फिर गोल्ड मेडल लिया, MBBS किया और गोल्ड मेडल लिया जी। अच्छा, और स्पेशलाइजेशन की तरफ आप जा रहे थे? स्पेशलाइजेशन नहीं की है वो, मगर जा रहे थे उस तरफ, करनी थी वो, फिर आई चेंज माय माइंड। सर्जरी में थी जी 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 जी, उधर बिल्कुल था माइंड, लेकिन फिर सडनली चेंज किया। और क्यों चेंज किया? आई वांट टू नो, ये किस तरह हुआ? इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, दिस होल बैकग्राउंड बिहाइंड दिस, के हाउ व्हाई आई चेंज माय प्रोफेशन, काफ़ी लोग पूछते भी हैं, बट मोस्टली मेरा जितने भी इंटरव्यूज रहे हैं वो बड़े फॉर्मल रहे हैं, बट नाउ यू नो वन टू वन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो यू नो देर वॉज, कितने इंसान की लाइफ में जैसे ट्विस्ट आता है समटाइम्स, एंड यू नो यू जस्ट चेंज योर माइंड, चेंज योर हार्ट। कभी नहीं सोचा था CSS करने का, बिल्कुल जहन में नहीं था। फैमिली में और लोग भी थे जो आर्म फोर्सेज में भी हैं और पुलिस में भी, लेकिन अच्छा लगता था, वो एक अलग प्रोफेशन था। मैंने स्पेशलाइजेशन करके आउट ऑफ कंट्री जाना था, जैसे बाकी मेरे बहन भाइयों ने किया कि MBBS एंड दे वेंट अब्रॉड। कितने बहन भाई हो आप? हम लोग चार बहन भाई हैं। और बहनें कितनी और भाई कितने? तीन बहनें और एक भाई। ओ, और आप कहाँ हो? मैं सबसे छोटी हूँ। ओ, सो यू कैन इमेजिन, यू नो, सबसे लाडली घर में। तो बस फिर उसमें व्हाट हैपेंड एक्चुअली, मेरे फादर की सडन डेथ हो गई, वेरी सडन ना। हम लोग आराम से रात को जैसे खाना वाना खा के, और यू नो वी टॉक टू ईच अदर, एंड आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशन फॉर USA। तो हम लोग सोए, विच इज़ ऑल फाइन। इन द मॉर्निंग लाइक आई जस्ट हर्ड सम नॉइज़, कि क्या हो गया, आवाज़ें आ रही हैं। आई वेंट आउटसाइड और देखा, सडन लाइक माई फादर वॉज नॉट वेकिंग अप। सुबह के 8 बज रहे थे and my mother was crying sitting beside him, and I was like what happened, like CPR jo mujhe pata tha kiya, call ki emergency call, but it was sudden cardiac arrest, wo like sudden, that was the moment that changed my life. And us waqt main aur meri mother ghar pe the, baki to sare abroad the padhne ke liye, you know, higher education, my brother was abroad, my sister was abroad. Then I was in a shock, you know, I was in a shock. फिर बस चेंज इस तरह से आया, when my mother wasn't ready to go abroad right away. वो यादें वो घर में होती हैं, वो कहती थी मैंने तो जाना नहीं इस घर से कभी भी, मैंने इधर ही रहना है। उस वक्त तो यही था उनका। फिर आई, फिर मुझे ये लगा कि
फिर ऐसा ऐसा सोचते सोचते जैसे होता है कि why not, like अपनी कंट्री में रह के क्यों ना कुछ करूँ, why should I go abroad. अच्छा फिर एक फादर के साथ एसोसिएशन, एक अपनी फैमिली के साथ एसोसिएशन. फिर क्या करते थे आप? ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वापडा में थे, वहाँ पे ही सर्व्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देयर. और अम्मी क्या करती हैं? शी वॉज अ हाउस वाइफ एंड शी इज अभी भी होम मेकर. जी बिल्कुल, होम मेकर. एंड एट दैट टाइम लाइक वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि वाई नॉट टू स्टे हियर इन पाकिस्तान, कि यहीं पर रहूँ और यहाँ की जितना भी पोटेंशियल है यहाँ पे करूँ कुछ, यू नो. देन आई थॉट मैंने इट्स अ स्पेशलाइजेशन तो यहाँ नहीं, मैंने सोचा क्योंकि वो बाहर से ही करने का सोचा हुआ था. अच्छा. देन आई जस्ट थॉट कि फिर यहाँ पे क्या करूँ ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि दैट वाज आई वाज थिंकिंग कि ये एक बड़ा एवेन्यू होगा, प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आई कुड सर्व पीपल बेटर. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर CSS. उसमें फिर यू नो देर वॉज देर वर चॉइसेस, 12 ग्रुप्स होते हैं, 12 ग्रुप्स होते हैं. उसमें फिर सोचा कि जी क्या कौन सा ज्वाइन करना है. अब उस पर डिबेट शुरू हो गई, यू नो माई मदर वॉज लाइक पुलिस सर्विस करनी है, इतनी टफ, अब वो घर में सबसे लाडला बच्चा है. एंड देन यू नो शी वॉज सो कंसर्न कि मैंने कहा नहीं, पहले तो उनको हुआ कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइन. मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको अकेले छोड़ के जाना नहीं है भाई, आप तो जा नहीं रही मेरे साथ. तो यू नो मैंने फिर कहा, मैंने कहा नहीं यहीं रहती हूँ बस, ठीक है अपनी कंट्री में, बाहर चले जाएंगे एक तो क्या है, आइडेंटिटी तो यही है ना हमारी, यू नो. एंड शी वॉज लाइक कन्विंस, अच्छा ठीक है. फिर बारी आई जी कौन सा ग्रुप चूज़ करना है, मुझे पुलिस सर्विस. उस पर हमारी थोड़ी सी बहस चलती रही. देन शी सपोर्टेड माई डिसीजन, माई ब्रदर एंड एवरी वन लाइक ठीक है इफ यू वॉन्ट टू डू इट. तो क्या फैसिनेट कर रहा था पुलिस के बारे में? मुझे एक तो लगता था कि एक तो होता है पुलिस अच्छी लगती है, बट आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग यू नो प्रैक्टिकल चीज़ जिसमें आप किस में हेल्प आउट कर सकते हैं लोगों को. एक शुरू से जैसे आई सॉ माई फादर, आई सॉ माई अंकल एंड एवरी वन वॉज लाइक, मेरे ग्रैंड फादर जो थे वो एजुकेशन में थे. सो एक वो एक रहा गवर्नमेंट सर्विस का, और फिर ये रहा कि जैसे हर एक को ये देखा कि अच्छा कुछ बेहतरी क्या करनी है इस मुल्क में, क्या बेहतरी ला सकते हैं. दैट वॉज द बेसिक स्पिरिट बिहाइंड दिस. मुझे लगता था कि पुलिस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि फीमेल साइड से तो बिल्कुल निगलेक्टेड है, और अगर मैं इस सर्विस में जाती हूँ एंड इफ़ आई हैव द पैशन टू डू समथिंग तो मैं कुछ अच्छा कर सकूँगी लोगों के लिए. क्या आपके होने से फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मेरे होने से फ़र्क पड़ना चाहिए. अगर मैं यहाँ रुक रही हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मेरे होने से कुछ फ़र्क भी तो पड़े ना. अगर इफ़ आई मैंने वो डेस्क जॉब करनी है वो तो कोई भी करेगा. अगर मुझ में ये है कि अगर पुलिस सर्विस में सबसे ज़्यादा यही कंप्लेंट्स होती हैं कि जी पुलिस हमारे साथ डिपार्टमेंट ऐसा है जो ताबुन नहीं करती, और पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें लोग भी यू नो जाने से भी घबराते हैं, उसमें सर्व करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फिर पुलिस सर्विस में ज्वाइन करना है मुझे. फिर यूनिफॉर्म तो मुझे वैसे पसंद था. एंड आई स्टिल रिमेंबर लाइक जब हमारा एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के अंदर द चेयरमैन ऑफ FPSC वॉज सो कंसर्न दैट वाई यू वॉन्ट टू जॉइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान. फिर आई हैड 45 मिनट्स इंटरव्यू, और उस वक्त थे भगवान दास, ही वॉज द चेयरमैन. अच्छा. ओ ही जस्ट आस्क मी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, उन्होंने जिस तरह होते ना ग्रिल करना किसी को, यू नो ही जस्ट. मैंने कहा पहले तो मैंने सोचा मैं कहाँ फंस गई हूँ, कि ये मुझे या तो मैं इनको कन्विंस करूँगी या ये मुझे फिर अल्टीमेटली कुछ होगा. कहते नहीं, वाई नॉट फॉरन सर्विस, यू शुड गो इन फॉरन सर्विस. अब मैं इधर डिबेट कर रही हूँ, मैंने कहा सर क्यों नहीं, वाई नॉट पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान. कहते हैं जी अच्छा आप क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे. मैंने कहा यू नो दिस डिपार्टमेंट नीडेड एक तो चले गुड पुलिस ऑफिसर्स, बट फीमेल पुलिस ऑफिसर्स. दिस डिपार्टमेंट स्टिल नीड्स. आप अभी भी देखें कि हमारी परसेंटेज कितनी है, CSS के थ्रू कितने लोग आ रहे हैं जो विलिंगली आ रहे हैं, फर्स्ट चॉइस लेके आ रहे हैं. बिकॉज एक तो होता है यू फॉल इन दैट ग्रुप तो यू हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप. एक होता है कि आप चूज़ करते हैं कि यू नो दिस इज़ योर प्रेफरेंस. आई वॉज 34th इन पाकिस्तान, सो इट वॉज माई फर्स्ट चॉइस. एंड देन फिर जब बाद में सारा इंटरव्यू वगैरह हुआ, देन आई जस्ट फेल्ट इन माई हार्ट दैट ही इज़ कन्विंस्ड. एंड जब हमारा रिजल्ट आया तो फिर मुझे पता चला मेरे सेकेंड हाइस्ट मार्क्स इंटरव्यू में थे. एंड देन आई ज्वाइन द सर्विस. फिर माई ट्रेनिंग शुरू हो गई. फिर कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो 6-8 महीने का होता है. फिर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, दैट्स अ वेरी विग्रस ट्रेनिंग.
प्रोग्राम और उसके बाद फिर ड्यूटीशिप होती है, देन यू ज्वाइन एज आपके पास इंडिपेंडेंट कमांड आती है एज ASP. अच्छा, तो जो CSS के थ्रू ज्वाइन करते हैं वो ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी KPK में. आई वॉज वहाँ पे तो पहली दफ़ा कोई ASP फीमेल ASP पोस्ट हुई थी, तो बड़ा एक मैं भी हेजिटेंट थी शुरू में. मुझे लगा कि पता नहीं कैसे, हाउ वुड पीपल रिएक्ट और परसीव, और वो वेल रिसीव्ड होंगी मैं या नहीं होंगी. और लोगों को भी लगता था कि अच्छा एक फीमेल ऑफिसर आई हैं, क्योंकि ASP की 17 ग्रेड ऑफिसर. तो लेकिन उसके मैं आई मस्ट से कि बड़े अच्छे लोग वहाँ के, बड़े बड़े ही नियत वाले और बड़े साफ दिल लोग हैं. आई मस्ट से दैट सीरियसली, बिकॉज जो उनके दिल में वो उनकी ज़बान पे है. दैट वॉज द थिंग आई रियली डिस्कवर्ड एट दैट टाइम कि हम हमारे इधर KPK साइड पे हम अब कोई उनको कुछ कंजर्वेटिव बोलता है, कोई कहता है कि नहीं वहाँ पे, बट देवर सो रिसेप्टिव एंड देवर सो, इतनी इज्जत देते हैं वो लोग. इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर. मैंने वहाँ पे 1.5 साल के करीब काम किया और आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस. मुझे जो जो फियर्स थे ना कि अच्छा मैं KPK में जाऊँगी, ये एक डिफरेंट कम्युनिटी है, बिकॉज मैं पंजाबी हूँ तो मुझे लगेगा, मुझे तो लैंग्वेज भी नहीं आती, सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर था. तो वो कवर हो गया. क्योंकि सीखी आपने? नहीं, उनको उर्दू थोड़ी आती है, वो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन में इतना इशू नहीं हुआ. तो उर्दू हमारी लिंक है ना? उर्दू तो ऑब्वियसली तो सबको थोड़ी उर्दू तो ज़रूर आती है. अगर और मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन उनको उर्दू आती थी, तो सो वी मैनेज्ड के बड़ा अच्छा रहा. उनसे बातचीत में भी आसानी रही और लॉयल्टी बहुत है उसमें, उन लोगों में. देवर सो, आपका गनमैन है तो वो लॉयल है आपको. मुझे इतना अच्छा फीलिंग वहाँ पे आई. और वो ख्याल रखते थे बाकी मेहमान आए हैं, वो अच्छा दे यूज़ टू कॉल मी मेहमान है जी आप तो हमारे. मैंने कहा नहीं, अब मेहमान नहीं, अब मैं यहीं पे हूँ अभी, मुझे मेहमान ना समझे. बट कितने साल रहे वहाँ पर? 1.5 साल के करीब तकरीबन. तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा जब आपकी ट्रांसफ़र हुई होगी? हाँ, मुझे वहाँ से हो गई थी अटैचमेंट हो जाती है बस. लेकिन फिर ये था कि ठीक है, अब इधर भी पंजाब. वहाँ पे क्या बदला आपने? वहाँ पे मुझे देखिए, वहाँ पे ना बेसिकली एक आपकी जो आई वुड से कि एज अ लार्जर पार्ट ऑफ गेम आप देखें तो इतना कुछ नहीं बदल सकते बीइंग एन इंडिविजुअल. बट आई जस्ट बिलीव कि जहाँ पे मैंने अभी तक जहाँ पर भी काम किया, आई मेड श्योर कि मेरे डोमेन में जहाँ तक मैं कर सकती हूँ काम, उसमें बेहतरी लाऊँ. और मुझे ये लगता है कि जहाँ पर भी मैंने, अब यहाँ पर भी बनाई हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ है कि मेरे इर्द गिर्द का जो, इवन आई फेल्ट माई कल्चर यू नो चेंज अराउंड माई, मेरे इर्द गिर्द जो लगा मुझे वो कल्चर चेंज हुआ. हाउ इट हैपन, लाइक मैं ASP आई लाहौर में, वहाँ पर B1 था, लेकिन यहाँ पर ज़रा लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ की औरतें भी कम घरों से निकलती हैं. मैंने यहाँ पे एज ASP ज्वाइन किया तो लोगों के कुछ काम इस तरह के होते हैं जो आप आउट ऑफ द वे करते हैं. आप यू नो, मैं बड़ी हेडेक लेके लोगों के काम करती हूँ. अच्छा नहीं, ये काम करना है तो करना है, फीडबैक लेनी है अपने स्टाफ से, एग्जैक्टली. सो व्हाट्स क्या होना शुरू हो गया, लोग कभी आ रहे हैं, किसी का काम हो गया, कोई मिठाई लेके आ रहा है, अच्छा कोई बुके फूलों के लेके आ रहा है. सो मुझे लोग कहने लगे थे ये कैसी जगह हो गई है कि पुलिस पे लोग फूल और मिठाई लेके आ रहे हैं, जबकि सिर्फ लोगों को शिकायतें ही होती हैं हमेशा. और फिर ये होना कि हमारी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो भी है वो डॉक्टर अनूश से करवा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं, जो वो फैसला करेंगी वो ठीक है. दैट वाज द थिंग जो मुझे तो मैंने अर्न किया है, मैंने अर्न किया है. और बड़ी ये चीज़ बहुत मुश्किल से आती और है. ये कितना अर्सा लगा आपको ये एतमाद अर्न करने में? तकरीबन 1-1.5 साल में आप यू नो यू स्टार्ट, आपको क्योंकि ऑब्वियसली आते हैं, फिर आप काम करते हैं, आपके लोग रेपुटेशन जानते हैं. जो हमने बचपन में सुना था कि पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है. तो आपने वो मदद आई ट्राइड माई बेस्ट. लाइक मुझे ये लगता है कि 100% तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं 100% कोशिश ज़रूर करती हूँ. उसके बाद फिर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन, मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए कहीं पर भी. जितना मैं कर सकती हूँ कॉन्ट्रीब्यूट, उतना मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूँ. शाम में रूटीन होती थी कि अबू के साथ टेनिस खेलना है, बैडमिंटन खेलना है. तो आप बचपन में भी ऐसे ही थे कि जो काम, जो भी घर में काम मामा ने दिया है या स्कूल में काम मिला है वो आपने करना है? ऐसे ही है. ये ना मेरी इनबिल्ट नेचर में. अच्छा. रहा है, बिकॉज
वो जो सेल्फ मोटिवेटेड और आप खुद अपने आप को टास्क नहीं दे देते कि आपने ये करना है, अगर या किसी ने कुछ चैलेंज दे दिया है तो वो मेरी बड़ी चैलेंजिंग नेचर हमेशा से रही है कि अच्छा जिसे कुछ चैलेंज मिला है उसको पूरा करना है. सो ये कुछ इनहेरिटेड भी है मुझे लगता है. कि तो कैसे थी आप बचपन में? आई वाज अ क्वाइट चाइल्ड. अच्छा. सोबर, डिसेंट. लोगों को लगता था ये बात ही नहीं करती किसी से ज़्यादा. लेकिन मुझे लगता है कि आई वॉज नॉट दैट टॉकेटिव. मैं बहुत शरारती भी नहीं थी. बड़ी सोबर सी. अच्छा, बस बुक्स खोल के बैठे रहना. ज़्यादातर बस पेरेंट्स से बातचीत. अबू के साथ बहुत फ्रैंकनेस थी. उन्हीं के साथ खेलना है तो फ्रेंड्स के अलावा, मतलब स्कूल के अलावा, अगर घर में है तो शाम में रूटीन होती थी कि अबू के साथ टेनिस खेलना है, बैडमिंटन खेलना है. उन्होंने चेस खेलना सिखाया. उन्होंने अगर वो जा रहे हैं पोलो खेलते थे, खैर वो गोल्फ जाना तो मैंने साथ जाना. उनके साथ मेरी ज़्यादा फ्रेंडशिप. अच्छा. कह लें, मतलब आई जस्ट फाउंड कि मेरी जो भी थी ना कि अच्छा फ्रेंडशिप का जो एलिमेंट था वो मुझे उनमें मिला. सो आई जस्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद हिम. सो बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने की मुझे आदत नहीं थी. ना मैं इतनी सोशल थी. अच्छा. और फ्रेंडशिप में बस दो तीन फ्रेंड्स खास बस उनसे हेलो हाय बातचीत ये वो. लेकिन मैंने जैसे बताया कि वो टाइम ही इतना होता था. स्कूल से आए, अपना काम किया, थोड़ा रेस्ट किया. अबू आगे जी ऑफिस से आगे, ही नोज कि मैंने बस दो घंटे रेस्ट करके मेरे साथ टाइम गुजारना है. और मुझे पता होता था कि अबू बस उठेंगे तो अब बस नाउ इट्स माय टाइम. सो हमारा इतना क्लोज बॉन्ड था. और जब उन्होंने जाना होता था और शाम में जी कि आज कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, और मेरा मुंह बना होता था कि आज आप अवेलेबल नहीं है, तो वही अम्मी कहती थी कि आपने तो बहुत ही आदत डाल दी है इसको, यू नो, कि हर वक्त आपके साथ कि ना आप नहीं जा सकते ना ये किसी के साथ कोई और अटैच होती है. तो अबू कहते आई वॉज द यंगेस्ट में, तो ही वॉज लाइक मेरा बच्चा ठीक है, बस ठीक है, मेरे साथ अटैच है. तो यू नो ये इस तरह की मेरा बचपन गुजरा है. सो तो पहला दिन स्कूल का याद है? कौन छोड़ने गया था? हल्का. अबू छोड़ने गए. तो आई वाज हल्का याद पड़ रहा है कि क्या फ्रॉक पहना हुआ था. आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज वाइट विद पोल्का डॉट्स. थोड़ा आई वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट. लेकिन मैं रोई हुई नहीं थी. अच्छा. बड़ी कॉन्फिडेंट के अच्छा अबू ने पहले कह दिया था रोना नहीं है स्कूल वूल जाते हुए. ना आई वाज लाइक ओके आई एम फाइन. सो अच्छा जाए गए हैं. और मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन वापसी पे भी बस याद है कि आगे बैठी थी, स्वीट्स अबू ने गाड़ी में रखी हुई थी कि बस वो स्वीट्स दे देनी है. मतलब कैसा रहा जो बताया उन्हें, हल्का याद है. घर आके भी कुछ पूछ रहे थे क्या चेस कैसा रहा, क्या किया, इतना ही याद है बस. तो कैसे स्टूडेंट थी आप? पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और सब कुछ अब्बू को दिखाते थे, सारे स्टार्स जो मिलते थे. एग्जैक्टली एवरीथिंग, लाइक आज ये हुआ, आज ये हुआ. और अब्बू पूछते थे कि अच्छा क्या कैसा आज, क्या होमवर्क मिला है आज, क्या करना है, क्या एवरीथिंग, लाइक कैसा स्कूल में फ्रेंड्स तक से क्या बातें होती थी. मैं वो भी अब्बू से शेयर कर. डैडी इज गर्ल. यस आई वाज. और मतलब अम्मी के साथ इस तरह से था कि उनको बस मेरे खाने पीने की फिक्र लगी रहती थी कि मैं बैठी हूँ तो बस वो खाने की ये चीज़ खिला दूँ, वो चीज़ खिला दूँ. वो खाने पीने में थोड़ा सा वो हमेशा की तरह जो होता है कि बच्चे जिस तरह करते हैं खाने पीने में भागना इधर उधर, तो अम्मी का वो बड़ी होती थी कि नहीं ये खा ले कुछ. तो अम्मी का ये ज़्यादातर ऑब्वियसली कपड़े उसे लेके खाना पीना ये वो. और अब जो फ्रेंडशिप का एलिमेंट वो ज़्यादा हर चीज़ शेयर करनी एवरीथिंग. साइकिलिंग भी की. गाड़ी उन्होंने चलाना सिखाई. हर चीज़ स्विमिंग भी उन्होंने बड़ा जोर दिया कि आनी. अब कहते हर चीज़ आनी चाहिए. बट मैं हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकी. मुझे घोड़े से डर बड़ा लगता. अच्छा. वो बचपन में मैंने शायद सुन लिए थे एक दो वाक्य जिसमें घोड़े से कुछ लोगों को गिरने का सुना था. मुझे डर ही बैठ गया दिल में. मैंने कहा नहीं, घोड़े का एतबार नहीं है, इसे गिरा दिया तो वो नहीं मैं कर सकी. बाकी उन्होंने हर चीज़ सिखाई. तो दैट इज़ हाउ. गुड़ियों से खेले आप? यस बिल्कुल. लेकिन कम. किसके साथ खेलते थे? बारबी डॉल्स भी थी. नहीं मतलब फैमिली में कजन्स के साथ? नहीं, बहनों के साथ था. क्योंकि कजन्स मैं, एक्चुअली ये हुआ था कि मेरे फादर भाई बहन भाइयों में सबसे छोटे थे. अच्छा. फिर मैं सबसे छोटी थी तो जितने भी कजन्स थे वो एज गैप काफ़ी ज़्यादा था. अच्छा. तो ऑलमोस्ट उनके बच्चे भी मेरे एज के बराबर के थे. तो उन कजन्स के साथ तो फिर मौका ही नहीं मिल सकता. मैं तो बहुत छोटी थी तो फिर इसलिए बहन भाइयों के साथ ज़्यादा घर के अंदर.
तो वो मैंने अपने बारबी डॉल का हाउस बनाया होता था, कुछ एक दो डॉल्स वो थी, लेकिन जैसे मल्टी डायमेंशनल किस्म का था कि किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट, पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा, पेंट करते थे आप? बचपन में करती थी, लेकिन वो जैसे जैसे स्टडीज़ का वो प्रेशर आता गया, कुछ तो चीज़ें साइड पे होती गई और सिर्फ स्पोर्ट्स रह गई बस। उसमें कोई एक गेम कंटिन्यू कर ली और कॉलेज तक टेनिस। टेनिस Yes. आप अभी भी खेलते हो टेनिस? अभी नहीं, अभी तो कुछ भी मौका नहीं मिलता। हाँ। ये हिसाब हो गया है। तो कोई डायरी लिखते थे? डायरी कोई डायरी नहीं लिखी शुरू में, एक दफ़ा आदत पड़ी, मतलब मुझे लग, क्योंकि शौक लगता था ना, मैं फैसिनेट होती थी लोगों को देख के। कभी मेरी दादो वो लिखती थी। अच्छा। वो ना अपने क्योंकि शी वॉज ऑल्सो स्कूल प्रिंसिपल, सो वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत उनका होता था कि अच्छा, जितनी उनको मुझे याद है बचपन में, वो भी पूछती रहती थी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा। उनको देखती थी, उन्होंने साइड पे एक तो रखा होता था पेन और डायरी, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की ना वो लिखती थी, ज़्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन डिटेल्स में फिर मैंने जब उनको देखा, मेरा दिल करता था मैं भी लिखूँ। कुछ देर लिखा, फिर नहीं मेंटेन कर सकी, यू नो इट टुक टाइम कि आप लिखें बैठ के। मुझे जब शौक हुआ लिखने का, मुझे लगता था कि पूरी वो डेज की नहीं होते, आज ये किया आज ये किया आज वो वाला लिखूं, लेकिन फिर मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी वो। बिकॉज वो एक रूटीन है, रूटीन है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। वो मैं ज़्यादा बातों में, जिस तरह होता है ना, अबू से बातें की सारी वहीं शेयर करके, और वो मुझे लगता है कि वो जो दादू इससे लिखती थी, क्योंकि वो उनके पास टाइम था अकेले बैठ के लिखने का, तो वो मैंने इस चीज़ को और आप चूँकि अपने अबू के साथ सारा वक्त गुजारते थे, तो मुझे था कि ये नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिल सकता। क्या चीज़ जमा करते थे जब छोटे थे? कॉइन्स, टिकट्स, ये भी जमा किए काफ़ी, इतने तक ढेर लगा होता था। स्टैम्प्स का भी इतने वो मेरे बॉक्सेस भरे हुए, कॉइन्स के भी बॉक्सेस भरे हुए, लेकिन वो कहाँ गए? वो आई हैव लॉस्ट देम। क्यों? बस कुछ फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है ना, कि व्हेन यू गेट इनटू, अच्छा मेडिकल कॉलेज गए, इधर बुक्स का ढेर लगा, इधर बुक्स का ढेर लगा, वो ही नहीं, पुरानी चीज़ें कहाँ हैं। आई हैव इवन प्रॉपरली प्रिजर्व्ड माय ट्रॉफीज़ के वो किधर हैं, मुझे जितनी भी वो शील्ड्स मिली हैं, आई कुडंट सेव देम प्रॉपरली। तो बचपन की क्या चीज़ अभी तक है पास? माय टू डॉल्स, वो भी अचानक मिली मुझे। अच्छा? वो भी अचानक मिली क्योंकि माय मदर केम फ्रॉम यूके लास्ट ईयर, एंड शी वाज लाइक कहती ये किधर से निकली है, मैंने कहा ये मिल गई है, तो इस वजह वो भी उन्होंने कहीं से निकाली ढूंढ के, अदरवाइज वो भी मैं घुमा चुकी थी अपनी तरफ से। सो वो मेरे पास अभी तक प्रिजर्व है, और जब मैं उसको देखती हूँ तो कहती हूँ वाओ, पता ही नहीं चला बचपन किधर गया, चला गया। ऑनेस्टली पढ़ते पढ़ते ही गुजर गया, समझ ही नहीं लगी है, इतना टास्क ओरिएंटेड लाइफ रही है ना मेरी। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अभी भी ये होता है, अच्छा अभी उठते हैं तो अब ये करना है, नेक्स्ट डे पता ही नहीं चलता कब गुजरता है। अभी लाइक फर्स्ट ये जो शुरू है, साल शुरू है, फर्स्ट 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने की, तो आई वॉज लाइक मुझे आई एम एफ टॉप पे आई ना, तो यू नो दे गिव मी सर्टिफिकेट एंड यू नो everyone was asking like how did you do it? Yeah, persistent होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सो बहुत काम की तरफ वो टास्क ओरिएंटेड, हर दफ़ा नया गोल, सो इसलिए बस बचपन से कब यहाँ तक पहुँच के पता ही नहीं चला। मुश्किल क्या क्या आई इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचने के लिए, SP तक पहुँचने के लिए? देखो ये मर्दों का माशरा है ना, एग्जैक्टली, तो उनको बड़ा मुश्किल होता है कि वो वाली जगह या वो वाला पावर की जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाई हुई है उसमें एक खातून आ जाए, और उसका फिर औरत का जाविया भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, काम करने का तरीका भी अलग होता है, बिल्कुल मोर ज़्यादा कंपैशन होता है। दैट्स ट्रू। आई वुड टोटली एग्री विद यू कि ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और फिर एक मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट जिसमें आपकी परसेंटेज ही आई थिंक सॉरी 1-2%। हाँ। आप अगर CSS की वो रेशो निकालें और फिर ऑनवर्ड्स देखें कि इस इन ग्रेड्स पे कितनी सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो उस सूरत में यू नो यू टेक अ प्लेस एंड यू मेक अ प्लेस एंड देन आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी। व्हेनेवर समबडी आस्क्स मी, मैं कहती हूँ कि
मत ये मत सोचें कि अच्छा इट्स जस्ट लाइक यू ज्वाइन द सर्विस, चलें जी आपने सिर्फ एग्ज़ाम पास किया सी एस एस का, उसके बाद सब कुछ सही हो गया है, यू नो कि आप बस फिर उसके बाद एक सीट पर बैठ जाएंगे और यू नो आप हुक्म चलाएंगे. नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. आप यू हैव टू यू नो पुट एक्स्ट्रा एफर्ट. जितना मुझे लगता है एक मेल को काम करना पड़ता है, एक फीमेल को उससे डबल काम करना पड़ता है. एंड आई वुड से मैं अपने बारे में अगर बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है ऑफ़ कोर्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू हियर दिस के अ फीमेल इज सिटिंग ऑन द सीट एंड शी कैन नॉट परफॉर्म. आई कैन नॉट हियर दैट एंड आई वुड नेवर हियर दैट ऑफ कोर्स. स्पीडी सबसे स्पीडी ट्रायल रहा और उसको मैक्सिमम सज़ा मिली. मैक्सिमम सज़ा 2 साल, उस दो दफ़ा उसको उम्र कैद, 10 साल मजीद सज़ा दियत उसको अलग हुई. तो आपको व्हाट कीप्स यू गोइंग, अब्बा की कोई बात जो आपको दिमाग में गूंजती है? बिकॉज एक तो शुरू से यू नो एज आई हैड अ कंपेटिटिव नेचर और अब्बू ने हमेशा यही सिखाया कि एक्सेल करना है. मैं चाहती बेटा जो भी करो एक्सेल करना है, बस फिर जो भी करो डू वट एवर यू वॉन्ट बट एक्सेल. ये नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी में, क्योंकि वो गोललेस लाइफ नहीं कभी रही. हाँ. एक गोल, उनका गोल रखना है लाइफ में. कभी इस तरह नहीं है कि एक बग़ैर किसी मकसद के आप ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, उस तरह नहीं. क्योंकि ऑब्वियसली वो ग्रैंड फादर से फिर बच्चों में उनका मेरे ताया, मेरी फूफो जो थी, यू नो शी वॉज एट दैट टाइम वो हॉस्टल में, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया. यू नो उस ज़माने में तो बहुत कम लोग ये करते थे, बट मेरे दादा और मेरी जो दादी थी बोथ फॉर इन एजुकेशन एंड दे वांटेड के दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर आवर चिल्ड्रन. मेरे अब्बू और ताया ने जब कभी भी कोशिश की, क्योंकि हम सुनते थे स्टोरीज की जी अच्छा लैंड्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम हम, क्योंकि ज़रूरत कहते हैं, ज़रूरत नहीं है पढ़ाई, ज़रूरत ये नहीं कि ज़रूरत के लिए करनी है, ये करनी है. बाकी चीज़ें साथ साथ टेक केयर होती रहेंगी. ये ज़मींदारी वाला आपने सोचना भी नहीं है कभी कि यू नो कि अच्छा ये लैंड्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ है, कहते हैं ये नहीं, पढ़ाई एक अलग चीज़ है. सो उधर से फिर इनमें ट्रांसफ़र हुई, फिर यही चीज़ हम में ट्रांसफ़र हुई. मैं मतलब हमने भी यही, आई स्टिल रिमेंबर माई फादर यूज़ टू टेल माई ब्रदर, हम सब भी कि बेटा अल्लाह का दिया सब कुछ है, शुक्र अल्लाह का. ये ज़रूरत के तहत नहीं करना, ज़िंदगी में एक गोल रखना है कि ये नहीं पैसा कमाने के लिए, नहीं ठीक है वो एक अलग चीज़ है, वो भी अल्लाह का शुक्र सब कुछ, लेकिन एक गोल ज़रूर रखो लाइफ में. डू समथिंग विद योर लाइफ, क्रिएटिव रहना है. तो वही चीज़ मुझे एक हमेशा से इनग्रेन नहीं हो जाती इंसान के अंदर कि कुछ करना है. अगर मेडिसिन भी मैं करती तो मैंने स्पेशलाइज करना था, मैंने अपना पूरा सोचा हुआ था सर्जरी करनी है, 4 से 5 साल लगेंगे मैक्सिमम वहाँ पे अब्रॉड जाके करने में, और फिर देन आई वुड बी डूइंग जॉब एज अ कंसल्टेंट, वो भी प्लान किया हुआ था. फिर इधर आए, अब यू आस्क मी व्हाट कीप्स मी गोइंग, सो दैट्स द थिंग विच आई थिंक कि वो एक इनग्रेन्ड है कि करते रहना है. और जो ये जो रेजिलियंस है वो मेरी मदर की साइड से लगता है मुझे, बिकॉज उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी. ये हमेशा उन्होंने ये समझाया कोई प्रॉब्लम आ जानी ना, तो एक जो ये चीज़ ना बेटा घबराना नहीं. टेंशन होती है, ऑफकोर्स होती है, यू नो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. आप कहें कि आप डेली लाइफ में आप कितनी चीज़ों से डील करते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. एक आम आदमी, यानी जिसने आम जो अपनी आराम से घर में लाइफ गुजारा, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता. पीपल, फ्यू माई फ्रेंड्स मीट मी समटाइम एंड दे से कि भाई आप तो कमाल, अच्छा भाई पोस्ट है अच्छी आपके पास. डू यू इवन नो के व्हाट इट टेक्स टू बी हियर? कैन यू इवन इमेजिन? नो दे कैन नॉट इवन. यानी कि आपको पता ही नहीं आपको कि आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. एंड मेरी जो ये वाली आदत है कि प्रेशर हैंडल करना, वो मेरी मदर की साइड से आई. और स्पोर्ट्स खेलने से भी आई थिंक, स्पोर्ट्स से भी, उससे भी वो सारी चीज़ें. हाँ, बिकॉज वो एक मैं चैलेंज को या एक कॉम्पिटिशन को लेती हूँ कि वही स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए इंसान के अंदर. वो स्पिरिट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्पोर्ट्स की साइड से वो आती है आपके अंदर. वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपको जीत में भी कैसे आपने हैंडल करनी है, सक्सेस को हैंडल करना भी एक बात होती है. वो सक्सेस एक टाइम की नहीं होती है, इट्स नॉट वन टाइम फिनोमेना. सक्सेस इज़ हाउ यू मेंटेन इट, हाउ यू कीप इट गोइंग. तो
और इसके अलावा अगर कोई खुदा ना खास ऑफ कोर्स हार्ड टाइम्स आते हैं उसको भी बर्दाश्त करना. कभी डिसअपॉइंट हुए बहुत ज़्यादा? डिसअपॉइंटमेंट वक्ती तौर पे, जैसे समटाइम ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ इट. बट मैं वही कहूँगी, हमारी मदर से मेरे अंदर बहुत आदत आई है. कभी नहीं ख्याल आया कि छोड़ दूँ सब कुछ और वापस मेडिसिन की तरफ चली जाऊँ, ये क्या किया मैंने? पछताना नहीं चाहिए डिसाइड करके, ये भी सीखा ज़िंदगी में. डिसीजन कर लिया तो फिर ठीक है, अब डिसीजन किया है ना खुद से किया और उसके है. उस सफ़र में जो भी मरहले आए अब उसको देखना तो है. हाँ, फेस तो करना है. हाँ. रिग्रेट नहीं करना चाहिए लाइफ में, बस ये सीखा है घर में. अब माय फादर यूज़ टू से कि 10 दफ़ा सोचो, डिसाइड कर लो, फिर रिग्रेट नहीं आना. रिग्रेट नहीं रखना चाहिए लाइफ में. हल्का फुल्का आता है ऑफकोर्स, लेकिन वो बातें याद आती हैं, यू नो, कि इन द बैक ऑफ माई माइंड के डिसाइड करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद वो बड़ा बुरा हो जाता है कि यू आर रिग्रेटिंग ऑल द टाइम. नहीं, फिर इट्स फाइन. मतलब आई मीन आई कैन इवन डू समथिंग क्रिएटिव विद दिस थिंग इवन. देर इज नेवर एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये भी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. नथिंग इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत ज़्यादा आई वुड रियली, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि ये मैंने, क्योंकि लोग कभी कभी होते हैं यार ये क्या, what keeps you going seriously? Like, you know, इतना प्रेशर और कभी कभी इतना कुछ हो जाता है तो really कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी. होता भी है, बहुत कुछ होता है. मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसा होता है. लेकिन मुझे जो मेरी मदर के सेंटेंस होते थे ना कि बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी किसी चीज़ का हल नहीं है. अब जब आप बीच में हो, इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, है ना, बीच में हो आप, उसके दरमियान हो, जो भी सिस्टम्स बने और आवाम से दूर हो गई पुलिस और पुलिस दूर हो गई आवाम से, यू नो, बोथ वे, आवाम भी दूर हो गए और पुलिस भी दूर हो गई, और एक ट्रस्ट का डेफिसिट हुआ जो कि शायद 60s में नहीं था, यू नो, मे बी 70s के शुरू में भी शायद नहीं था. और एक था, एक रिलेशनशिप था, हम ट्रस्ट करते थे, हम रिस्पेक्ट करते थे, और फिर वो बीच में ऐसा वक्त आया कि हमें अपने ही मुहाफ़िज़ों से डर लगने लगा. मैं एक शो करती थी बात से बात इंडस टीवी पे, उसमें जो मैंने 26, 27 या 28 शोज़ किए, उसमें बहुत मैंने पुलिस वालों को बुलाया और DIGs को और यू नो हायर जो भी हैं लोग और हर तरह के. और जो हमें नज़र आया था वो ये था कि अगर पुलिस वक्त पे पहुंच जाती, अगर पुलिस मदद कर देती, अगर सही वक्त पे FIR कट जाती, सही वक्त पर फैसला हो जाता मदद करने का, तो ये बच्ची इस हालत में ना होती, ये बच्चा इस हालत में ना होता. कुछ रेप विक्टिम्स थे या और भी तरह के. वहाँ मैंने ये महसूस किया था कि अगर हमारी पुलिस वाकई हमारी मुहाफिज बन जाए, हमारी मददगार बन जाए, हमारी दोस्त बन जाए, तो हमारा माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा. मैं ये समझती हूँ, आप भी यही समझती हैं? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. लेकिन इसमें मैं वही बात करूँगी कि मेरी जब मैंने अपनी पोस्टिंग्स की हैं, कुछ मौके ऐसे आए हैं कि टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आपने जैसे कहा कि वक्त पे पहुँच जाती, हाँ. वक्त पे ये आई टेल यू अ केस जो कि वेरी नियर टू माई हार्ट एंड आई वुड टेल यू सम ऑफ इट्स डिटेल्स. PSL चल रहा था यहाँ पे लाहौर में जी. किसी की होश नहीं थी ऑनेस्टली, मतलब बिकॉज वी वर सो कंसर्न, इट्स वॉज अ मेगा इवेंट. मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी. आई वॉज लाइक बस रात को सो नहीं रही हूँ, हम लोगों की सुबह फ्लाइट्स आ रही हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, पूरा लाहौर जो है वो बिजी है इसके अंदर. एक कॉल आती है ऐसी कि एक लड़की के फेस पे तेजाब फेंक दिया है. आई गॉट द, मुझे कॉल आती, मैंने कहा अच्छा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, पूछा उससे सारा. देन आई रश टू द हॉस्पिटल कि वो फीमेल कौन है, उसको मिली जाके, एंड हर मदर वॉज क्राइंग एंड शी वॉज लाइक कि बस ख़त्म हो गया. मैं, अब मैंने तो उसको देखा उस लड़की को, आई न्यू उसके लिए अभी उस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, बट शी वॉज जस्ट क्राइंग एंड शी वॉज सेइंग कि शी वॉज स्क्रीमिंग कि वो बंदा, मतलब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए. एंड आई हग्ड हर मदर एंड आई प्रोमिस्ड हर, मैंने कहा कि मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँगी, ये मेरा प्रोमिस है. आगे आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि इस वक्त इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैक्सिमम वो तो डॉक्टर्स करेंगे, बट शी इज़ आस्किंग फॉर जस्टिस, वो इंसाफ. और वो FIR का वक्त है कि वो कटे. FIR होने के बाद
हमने बंदा पकड़ना है. अच्छा, FIR तो हो गई, बंदा पकड़ना है. बंदा कहाँ है? मेरे बंदे का एड्रेस नहीं पता, कोई क्लू नहीं है. यू नो शी वॉज, उसका इंगेजमेंट हुई थी उसके साथ. अच्छा. और इसने, लड़की ने बाद में शादी से इनकार किया था. ये स्टॉप पे खड़ी थी, वो उस जो उसने बताया कि वो आया और एसिड फेंक के चला गया. अब मैंने कहा एड्रेस मंगनी हुई कि थे, हमें तो उसके पीछे घर का पता ही नहीं. यहाँ वाला जो पता था वहाँ को भाग गए सारे. ओह माय गॉड, आई वाज सो क्लूलेस. अब क्या करें, क्या करें, क्या करें. ऑल द टेक्निकल डिटेल्स हमने निकाली, कैसे, कहाँ, किधर का रहने वाला है, कैसे हम वहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे किधर रहता था, उसके साथ कौन थे. पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद, इट्स नॉट ऑलवेज कि आप टेक्निकल तरीके से पहुँचे. जो आप अगर हम, मैं तो पुराने ड्रामास में देखती हूँ, जो पुरानी होती थी ना हमारी जो इंटेलिजेंस का तरीका, कि लोगों से पूछने. हाँ, वो जो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड लोग मौजूद होते थे, उनसे जिससे इंटेलिजेंस गैदर की. इट वॉज मैटर ऑफ आवर्स. मैंने, अच्छा ये पता चला, आई सेंट अ टीम. लाइक उस वक्त ये केस हाईलाइट नहीं हुआ बिकॉज आई टोल्ड यू मेगा इवेंट PSL चल रहा बिल्कुल, था. किसी को नहीं पता था इस केस के बारे में. नोबडी वॉज इवन कंसर्न कि ये कुछ हुआ है. होश ही नहीं थी किसी को. हमें इधर इधर पड़ी हुई है कि मेरी सिक्योरिटी ठीक रहे, इधर रहे हम, एवरीवन इज़ बिजी. मैं साइड बाय साइड ये केस देख रही हूँ. अच्छा, आई प्रिपेयर्ड अ टीम. जिस पुलिस स्टेशन का ये था, उसका, उस बंदे की ड्यूटी उस वक्त वहाँ लगी हुई थी स्टेडियम पे. मैंने अपनी दूसरे पुलिस स्टेशन के बंदे की टीम साथ तैयार की और उसको भेजा के तीन टीम्स तैयार की, जिधर जिधर का हमें शक था, उधर उधर की बसेस पे बिठा के, कि उधर का उनको बसेस को ट्रैक करते हुए जाना है, वहाँ पे पीछे तक पहुँचना है. उन्होंने हमें इतना, मतलब ये लिया जा रहा है, भक्कर गया. हमें समझ नहीं आ रहा कि इनमें से किस जगह वो गया होगा. एक टीम करते करते कराते कराते वो पहुँची भक्कर तक. जिससे वो इधर भक्कर लिया अलग गई हुई है, वो उधर अलग गई हुई है. अब मुझे कॉल्स आ रही हैं बीच में. अच्छा, आई वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ मीटिंग. हमारे सारे सीनियर्स की मीटिंग भी हो रही है, क्योंकि आधे घंटे बाद जी वो हमारी तैयारियाँ चेक होनी है और सारी सिक्योरिटी चेक होनी. आई वॉज टेकिंग कॉल, मुझे बार बार कॉल. मेरे सीनियर मुझे कहते हैं खैरियत है, फ़ोन आ रहा है कि. मैंने कहा जी सर खैरियत है, वो एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट. अब उनको केस का भी नहीं पता कि मैं किस केस का डील कर रही हूँ. ही वॉज बिट वरिड कि हमारे CCPO थे. मुझे पता चला कि जी वो उसने अगर अब उस पहुँचते 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 वहाँ के पुलिस स्टेशन से, वहाँ इस नाम का एक बंदा तो है, वहाँ से पहुँचते उसके घर पहुँचे, पता चला कि वो पनाले के बैठा हुआ है कहीं पे. उधर निगोशिएशन की, जी बंदा दे दे हमें, अब ये वो जो भी निगोशिएट करने कराने के बाद वो बंदा हैंड ओवर नहीं कर रहे. अब मैं अकेली इधर लगी पड़ी हूँ, किससे क्या करनी है, किस बंदे से बात करनी है. सीनियर सारे मीटिंग में बिजी हैं, कोई अवेलेबल नहीं हो रहा. मैं अब वो कौन मीटिंग से उठा के जर दिए, निगोशिएट वो तो नहीं करेंगे. एट माई ओन लगे हुए करते कराते उसने चार घंटे बाद मान गए जी हमने जो भी निगोशिएट किया, अच्छा इन टर्म्स पे हम बंदा देते हैं. वो इलाका गैर जाने वाला था. हाँ जी, मैं कह ले आओ इसको. अब फिर ले गया वगैरह, सबसे टीम वापस बुलाई कि मिल गया बंदा. ये बंदा वापस आया, बंदा हमने रात में पकड़ लिया, सुबह तक हमारे पास था. जागे हुए हैं, कोई होश नहीं आ रही, इधर PSL चल रहा है. उसके बाद वो आया. अब जी हमने केस फाइल तैयार करनी थी, हमारा केस प्रिपेयर करना होता है ना, एविडेंस लगना है, सारा कुछ होना है. वो भी अब PSL इज गोइंग ऑन गोइंग एक चीज़ है, वो तो महीना चलना है ना. हर रोज़ मैचेस हो रहे हैं, फिर दो दिन बाद मैच हो रहा है, फिर हर रोज़ हम सिक्योरिटी कंसर्न है. पूरी केस फाइल बैठ के तैयार की, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और उसका बयान रिकॉर्ड करना है, सब कुछ एवरीथिंग. कोर्ट में उसका बयान कराया, दैट वॉज अ मिरेकल इन इटसेल्फ. कोर्ट में तो बयान ही कोई नहीं देता. बिल्कुल. एंड जैसे भी फिर उसको मोटिवेट करके जैसे भी किया, मैंने ये कराना है. मैंने उस लड़की की यानी ज़िंदगी चली गई है ऑलमोस्ट. व्हाट वुड शी डू विदाउट हर फेस एंड हर आईज, उसकी आंखें चली गई. वो खैर कराया. फिर जब ये वाला केस ट्रायल होता है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, जो तेजाब वाले केसेस हैं, उन जज साहब के पास गया केस. उन्होंने केस फाइल देखी, ही वॉज लाइक ये किसने प्रिपेयर किया, कि हु इज़ द SP. मैंने कहा जी ये SP है हमारे. उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू मीट हर. हमने कहा अच्छा ठीक है. उन्होंने मुझे मैसेज मिला कि वो मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस पीस पे हुआ. मैंने कहा ठीक है. 12 दिन ट्रायल चला है बस उसका, क्योंकि वो सिर्फ वो डेट्स टू डेट्स, उन्होंने कुछ चीज़ें करनी होती हैं. और ADC की हिस्ट्री में स्पीडी, सबसे स्पीडी ट्रायल रहा. और उसको मैक्सिमम सज़ा मिली, मैक्सिमम सज़ा 2 साल. दो दफ़ा उसको उम्र कैद,
10 साल मजीद सज़ा दियत उसको अलग हुई मैक्सिमम सज़ा, फिर जस्टिस ने भी कहते ऐसी केस फाइल मेरे पास आएगी तो मुझे क्या प्रॉब्लम है सज़ा देने में, सबसे हाईएस्ट। और कहते हैं एटीसी की हिस्ट्री में इतना स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ कि डेट्स डली नहीं, कहते डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। एंड देन ही हैड अ मीटिंग विद मी एंड ही वाज जस्ट कहते कि आई जस्ट विश कि ऐसी अगर हमारे पास काम होने लग जाए। और जब बीएसएल मेरा ख़त्म हो गया और फिर उनकी अकेले हमारी अलग से मीटिंग हुई सीनियर ऑफिसर्स की, तो ही अगेन मेंशन कि आप क्यों एक एसपी हैं, उन्होंने ऐसा काम किया था। एंड आई वाज लाइक सो अमेज्ड टू सी कि अगर मैंने नहीं ऐसी केस फाइल देखी और वो सारा, तो उस तरह से सज़ा भी मिली उस बंदे को। जैसे आप कह रहे टाइमिंग चीज़ें कुछ ही नहीं, यानी बहुत ग्रूसम केसेस हैं जिनमें पर्सनल अटेंशन देनी पड़ती है, वो काम हमने किए। तब तो मैंने बस फिर बातचीत हुई ऑब्वियसली, सो बस हो गया, फिर हो गई शादी वादी। शादी वादी हो गई, okay, एक दूसरे को कोर्टशिप की कब तक, एक साल दो साल? कुछ महीने। अच्छा, कुछ महीने आपको अच्छे लगे और उनको आप अच्छी लगी जी।